चौरी चौरा थाना क्षेत्र के करमहा रेलवे क्रॉसिंग के पास शनिवार की रात बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहे एक बदमाश को चोरी की बाइक के साथ पकड़ लिया, जबकि दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। आपको बता दें, चोरी की बाइक के साथ बदमाशों के होने की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की थी। पुलिस को देखते ही बदमाश ने फायर झोंक दिया, लेकिन पुलिस ने खुद को बचा लिया। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, खोखा और चोरी की बाइक मिली है। आरोपी की पहचान खोराबार थाना क्षेत्र के रामनगर करजहा निवासी विवेक के रूप में हुई है। इस संबंध में सीओ चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि रविवार की रात में करीब 2:40 बजे बदमाशों के होने की सूचना मिली थी। एसआई प्रणव कुमार ओझा को मुखबिर से सूचना मिली थी कि डुमरी खास की तरफ से सरदार नगर फुटहवा मार्ग के रास्ते बदमाश जा रहे हैं। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार अवस्थी, एसएसआई धनंजय राय को सूचना दी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक और एसएसआई भी पहुंच गए। सूचना थी कि तीन अपराधी बिना नंबर की एक चोरी की बाइक से किसी घटना को अंजाम देने जा रहे हैं। बाइक सवार को देखते हुए करमहा रेलवे क्रॉसिंग के पास रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस को देखते ही बाइक चालक अपनी बाइक मोड़कर भागना चाहे और पीछे बैठा विवेक उर्फ सेठ पुत्र बंशु पासवान पुलिस टीम पर फायर कर दिया। इस दौरान उनकी बाइक फिसल कर जमीन पर गिर पड़ी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फायर करने वाले खोराबार क्षेत्र के रामनगर करजहां धूसी टोला निवासी विवेक को चोरी की बिना नंबर की एक बाइक, एक अदद 315 बोर का तमंचा, कारतूस व एक खोखा तथा 1 किलो 200 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या की कोशिश, पुलिस की टीम पर हमला, आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी का चालान कर दिया। सीओ चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि खोराबार थाना क्षेत्र के रामनगर करजहां निवासी बाइक चालक विजय निषाद पुत्र बेचन निषाद व श्री राम उर्फ ठेहवा पुत्र रामप्रीत पासवान अंधेरे का लाभ लेते हुए भाग निकले। उन्होंने बताया कि पकड़े गए अपराधी विवेक पासवान पर चौरी चौरा, झंघा व खोराबार थाने में हत्या की कोशिश, चोरी सहित अन्य कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। विवेक व उसके दोनों साथी हाईवे पर लूट करते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ चौरी चौरा दिनेश कुमार सिंह ने कहा, जैसा कि अभी मालूम हुआ है कि हाईवे पे कुछ एक गैंग सक्रिय होकर के लूट कर रही है और गाड़ियों के तेल निकाले हैं, जैसे इकट्ठा होटल पे खड़े होते हैं वहाँ पर, और जो गाड़ियाँ जा रही होती हैं कहीं खड़ी हो गई होटल पे, उनका सामान निकाल लेना। उसके क्रम में कई दिनों से कार्य चल रहा था और रात लगभग 2:40 पे तीन लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर के जा रहे थे, उनको रोका गया। तो जो पीछे बैठा हुआ था उसने पुलिस पे फायर कर दिया कट्टे से, और जिस और दो लोग तुरंत गाड़ी छोड़ करके, जो चला रहा था और बीच में जो बैठा था वो गाड़ी छोड़ करके भागे। इसको भी दौड़ाया गया और ये नशे में भी था, उसके बाद इसको पकड़ लिया गया और उसके पास से एक कट्टा और एक कारतूस जिंदा और एक मिस फायर, दोबारा जो फायर किया था वो मिस हो गया था, और उसको पकड़ लिया गया, जिसका नाम विवेक पासवान उर्फ सेठ है, वो कर यहाँ का रहने वाला है, जो कि सातिर अपराधी है और वो हाईवे पे ही काम करता है। उसके दो साथी और जो विजय निषाद और श्री राम, दो और साथी हैं जिनके खिलाफ लगभग 10-10, 12-12 मुकदमे दर्ज हैं, और मोटरसाइकिल भी चोरी की बरामद हुई है, उनके पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ है। गैंग का सरगना विजय निषाद है, जो कि फरार हो गया है, जैसा कि विवेक ने बताया है कि इसी के उस पर हम लोग काम करते हैं।